विंटर। अब विंटर स्लीप में क्या होता है कि जो मैमल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि हायर टेम्परेचर को बर्दाश्त सॉरी लोअर टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, लोअर टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस चीज़ से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? विंटर स्लीप में चले जाते हैं, और मतलब ये कि एक ऐसा पीरियड होता है, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, खुद को क्या कर देते हैं कि साकिन कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुद बिल्कुल ख़त्म हो गए, ठीक है, लेकिन वो दे स्टिल रिमेन अलर्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? विंटर स्लीप कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बर्ड्स की माइग्रेशन की हमने बात की थी, इसी तरीके से मैमल्स की भी माइग्रेशन होती है, ठीक है। मैमल्स क्या होते हैं कि वो हॉट जो कोल्ड रीजन है या फिर हॉट विंटर सीजन है उससे बचने के लिए माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कैरी बाओ की बात करते हैं, ठीक है, कि कैरी बाओ की बात करते हैं। अब ये क्या होता है कि जो विंटर सीज़न है उससे क्या उस दौरान ये क्या करते हैं कि माइग्रेशन शो करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें वाइल्ड बीस्ट्स की बात करें, वो भी क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। कब? ड्रॉट सीज़न में क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मैमल्स हैं वो क्या करते हैं कि माइग्रेशन शो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद विंटर स्लीप का पता चल गया। विंटर स्लीप में क्या होता है कि वो खुद को इनएक्टिव कर देते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो कम्प्लीटली खुद को इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है, कि अब मतलब ये कि उनमें जो मेटाबॉलिक रेट्स होती हैं, मेटाबॉलिक बॉडी के जो प्रोसेस होता है उसको वो क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। बॉडी के जो प्रोसेस हैं वो क्या हो जाती हैं? स्लो डाउन हो जाती हैं। और सेकंड दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर हम बात करें हाइबरनेशन की बात करें कि हाइबरनेशन और विंटर स्लीप सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। मिसाल के तौर पर अब इसकी बात करें तो इसमें मेन फंक्शन किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। अब जो हाइपोथैलेमस है वो एक क्या करता है कि बॉडी के जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। अब किस तरीके से? जो हार्ट रेट उसको स्लो करता है। इसी तरीके से जो मेटाबॉलिक रेट है उसको क्या करता है? स्लो डाउन करता है, ओके। इसी तरीके से बात करें कि वो ब्रीथिंग रेट को भी स्लो कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। और इस तरह से मोस्टली मतलब एनिमल्स है वो क्या रहते तो इनएक्टिव हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, पड़े हुए होते हैं ऐसे, लेकिन वो क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में बहुत सारे मतलब अगर हम बात करें इंसेक्टिवोरा वो आ जाते हैं। इसी तरीके से मोनोट्रीम्स आ जाती हैं, डार्क बिल प्लेटिपस की बात कर लो, ठीक है। इसी तरीके से जो ना और भी चीरोपटेरा, इसी तरीके से हम बात करें रोडेंशिया, आई होप ये नज़र आ रहा होगा यहाँ से आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे मतलब मैमल्स होती हैं वो जो कि हाइबरनेशन का प्रोसेस वो करते हैं। अब हाइबरनेशन के दौरान जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स करता है वो कितना होता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से उनके जो हार्ट रेट होता है, यहाँ नज़र आ रहा होगा या फिर इधर इस साइड पे लिखता हूँ, ठीक है, कि उनका जो हार्ट रेट होगा, इधर भी नज़र आ रहा होगा शायद, ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अब उनकी हार्ट रेट 200 से 300 जो ना क्या होती है, बीट होती है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है? 20 बीट्स पर मिनट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, ये है हार्ट रेट, ओके। और सेकंड टाइप दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ना अगर हम उनकी ब्रीथिंग की बात करें, ब्रीथ रेट की बात करें, वो कितना होता है? 100 to 200 होता है। और वो कितना हो जाता है? 4
ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। अब इस चीज़, अच्छा ये तो सारा कर रहे हैं लेकिन ये प्रोसेस सारा किसकी मदद से हो रहा है? लेकिन जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं या विंटर स्लीप में जाते हैं, वो पहले से एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? ब्रॉन फेड्स। ठीक है, ब्रॉन फेड्स को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ब्रॉन जो फैट्स होते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और ब्रॉन फैट्स, ये हाइबरनेशन, ये विंटर स्लीप की बात करें, हाइबरनेशन के दौरान उनकी जो साइज़ होती है, मतलब उनकी जो बॉडी का वेट होता है, वो 1/3 बढ़ जाता है या फिर आधा ख़त्म हो जाता है, हाफ ख़त्म हो जाता है या थर्ड, ठीक है, या तो 3 गुना कम हो जाता है या फिर कितना होता है कि आधा रह जाता है। तो ये था हाइबरनेशन, विंटर स्लीप और उसके अलावा थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हाइबरनेशन क्या होता है कि इसमें मेन रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। अब इसमें जो बॉडी का जो रेट है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है या एक्टिविटी स्लो डाउन होती है। मिसाल के तौर पर उसमें क्या होता है कि हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है और ये मेटाबॉलिक रेट वो स्लो हो जाती है और जो ब्रीथ रेट है वो भी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ठीक है, अब इसके दौरान जो हाइपोथैलेमस है, जब वो क्या होता है कि खुद को ब्रोज में ट्रीट कर लेते हैं, खुद को छुपा लेते हैं, स्नो में छुपा लेते हैं, जहाँ भी जिस तरह से भी वो क्या करते हैं कि खुद को इंसुलेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त उनका जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है? मेंटेन करता है। और इस दौरान ये जो मतलब एक सारा प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी क्या होता है कि वो क्या स्टोर करते हैं? ब्रॉन फेट्स स्टोर करते हैं। ठीक है, जो ब्रॉन फेट्स है उसको क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेते हैं और उसी को फिर क्या करते हैं कि खर्च करते हैं, उसी को खाते रहते हैं। ओके, उसको यूज़ करते हैं। अब इस दौरान उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है या तो वो 1/3 एक तहाई रह जाता है या फिर उनकी बॉडी का जो हाफ हिस्सा है वो रह जाता है। ओके, अब इसमें इंसेक्टिवोरा, मोनोट्रीम्स, रोडेंशिया और चीरोपेटेरा, ये क्या है कि इसके एग्जांपल हैं। ये सारे मैमल्स जो है ना कि इसमें जाते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं। ओके, यहाँ कैरीबाओ की बात की थी कि कैरीबाओ क्या शो करते हैं? माइग्रेशन शो करते हैं। और जो वाइल्ड बीस्ट हैं वो किस में मतलब ये है कि विंटर स्लीप की बात करें, उसमें जो मुख्तलिफ मैमल्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते हैं उस, या हार्ड विंटर है, ठीक है, सीज़न बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, क्योंकि हम विंटर स्लीप की बात कर रहे हैं, तब मैमल्स क्या, जो कैरीबाओ है वो क्या करता है? माइग्रेशन शो करता है। ठीक है, और इसी तरीके से वाइल्ड बीस्ट की बात करते हैं, ये कब माइग्रेशन शो करता है? जब ड्रॉट सीज़न होता है, तब ये क्या करता है कि ड्रॉट सीज़न से बचने के लिए माइग्रेशन शो करता है। और उसके बाद जो ना हम यहाँ हार्ट रेट की बात की थी हाइबरनेशन के दौरान, कि हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कितना स्लो हो जाता है? 200 से 300 नॉर्मल होता है, लेकिन वो कितना स्लो हो जाता है? 20 बीट पर मिनट हो जाता है। और इसी तरीके से हमने ब्रीथ की बात की थी कि 100 से 200 ब्रीथ पर मिनट होती है, लेकिन फिर कितनी होती है? 4 ब्रीथ्स पर मिनट होती हैं। ओके, अब उसके अलावा कुछ नहीं।